क्वेश्चन ना आंसर देके ठीक हो जाते हैं। आत्मा लंबाई चढ़ाई नहीं करती, ये भी बताते हैं वो भी बताते हैं, कुछ नहीं करती है। आत्मा केवल क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर देके शांत हो जाता है, ईगो रेस्ट होती है। हम कैसे इतना आसान कर पूछिए तो सही, अपना हाथ लगाए हमारे पास के अलावा ये भी बता देंगे वो भी बता देंगे वो भी बता देंगे, इसको चाहिए नहीं। परंतार इतना है जो दिलाना चाहते हैं बताना चाहते हैं, अभिषेक का बताना चाहते हैं, समझ नहीं है कि किसी की बनता है अगर हम रॉन्ग नहीं, अगर हम अपने अंदर जाते हुए हैं और परमात्मा के ज्ञान ज्ञान में उससे दाल जोड़ के अपनी मस्ती में अपने उद्धार में लगे पड़े हैं, हमसे इतना सा भी गलत काम कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करवा सकता है। उल्टा अगर वो टच करेगा तो परमात्मा अंदर जागा हुआ उसको कुछ ना कुछ अमृत दे देगा, उसको भी जगा देगा। ये सच्ची बात है, ये सच्चा ज्ञान है, इसमें कथाएं नहीं है, स्टोरीज नहीं है, इसमें रियलिटी जो भी बात है परम सत्य है। कर लो अंधेरे, कर लो अंधेरे, ऑन द स्पॉट द ट्रुथ जो होता है ऑन द स्पॉट होता है, वही फल होता है। तो इस तरह से कोई हमसे कुछ नहीं करवा सकता, ये हमारी वीकनेसेज होती है, वो होता है अंदर में, अंदर में विश्वास ऐसे ऐसे होता है तो लग लेते हैं सबके पीछे, लग लेते हैं, लग लेते हैं अपने अंदर की कमजोरियाँ होती हैं। नहीं तो कोई कुछ भी करे, गुरु नानक ने क्या किया, सीधा राजा को भी बोल दिया नो और वजीर को भी बोल दिया नो, तो वो तो नहीं उनके पास गए क्योंकि अंदर अज्ञान नहीं है, तो सत्य में डट के बैठे और झूठ में नहीं गए, है ना। और हमारे अंदर क्योंकि अभी भी इच्छा और अहंकार वीकनेस वाले है तो हमको कोई भी बेवकूफ होगा कि बना लेता है और हम उनके पीछे लगे रहते हैं, कोई बात नहीं है। फिर भी रोज आप शक्ति हमको देती है कि तुम किसके पीछे मत लगो, तुम अपने सत्य को जान लो, मेरे सत्य क्या है और सत्य की तपस्या में रहो, उसके ध्यान में रहो एंड एंजॉय, ऐसी बात नहीं एंजॉय नहीं करो पर कम से कम झूठ से अपने आप को जानो। तो इस तरह से और हेतु रहे तैयार, हेतु रहे मना बिना कारण के, बिना फल की इच्छा के, बिना वापसी चाहे देखे बिना होंगे, हेतु रहे तैयार। दयालु में अकड़ता अकड़ता कोई कुछ तो बोलेगा, कोई कुछ बात करेगा, कुछ पूछेगा, उसका आंसर दे दे क्योंकि अंदर से आत्मा देगी जवाब दे दे और उसका बड़े कल्याण हो कितना भी, और उसके बाद बोलिए और पूछे मत कि तुम्हारा भला हुआ कि नहीं, जो मैंने तुमको मंत्र दिया था फिर उसके बाद उसका असर हुआ कि नहीं, पूछेगा पूछा तो अंकारी है तो फिर ईगो निकल आएगी, पूछ ले जो हुआ सो आत्मा से हुआ तो पूछने की क्या बात है, जो भी हुआ हमारे लिए तो सेम है क्योंकि आत्मा की मर्जी जो ऐसी थी तो ऐसा हुआ, जो वैसी थी तो ऐसा वैसा हुआ, तो सही हुआ क्योंकि आत्मा से हुआ, पूछता कौन है इसके अंदर सही और रॉन्ग अभी भी बात है, इसके खुद के अंदर डुअलिटी बाकी है, वो पूछेगा अच्छा फिर असर होया कि नहीं होया, हाउ डज इट मैटर। परमात्मा की अगर मर्जी थी कि असर होए तो हुआ, ये नहीं मर्जी थी ना हो तो नहीं हुआ, हमको तो पहले ही पता है ना सही हुआ, जो भी हुआ सही हुआ, जे पास हुआ या फिर हुई बात तो भी सही हुआ क्योंकि परमात्मा की मर्जी बढ़ती है, तो क्या पूछना है जब हम आंसर मारे हैं, तो ये उसको वापसी में कुछ नहीं चाहिए, केवल दयालु इसका रहते हैं कि इस आनंद में बैठा जा सकता है, ये परमानंद ये जो ब्लिस होती है आत्मा की, इसमें इंसान स्वार्थी हो सकता है क्योंकि इसमें से निकलना कठिन होता है और इसके लिए नहीं चाहता है कि इससे बाहर आऊँ, इन तपस्या से आत्मरस नहीं मिला, इसके लिए इसके ऊपर हमारा खुद का अधिकार नहीं होगा कि अपना है चलो मजे से बैठ जाओ और सो जाओ एंजॉय, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये प्रभु की करुणा से कृपा से दया से मिला होता है, इसके ऊपर हमारा हक नहीं होता, तो इसके लिए उस अपने रस को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि अमानत है प्रभु की, तो वो जो रचना करते हैं उसमें जिस जिस रूप में उन्हें कोई यज्ञ करना होता है तो उस यज्ञ में सब कुछ होता है अपना रस छोड़ के और इस रस को आनंद को लिया जाता है, ये बहुत बड़ा ये भी रस लिया जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी से होता है और ममता से कहीं ममता होती है डुअलिटी, एक से है एक से कम है एक से ज्यादा है एक से ज्यादा है, फलक फलक होती है ममता, लेकिन वो किसको ममता करे किससे ममता करे, जब सब वो एक ओंकार जान बैठा कि ये ओंकार है और सब भी है, अब किससे ममता करे किससे असमता करे और किससे समता करे, एक सत्य को जानने से इन सारे ही दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाती है।
और अहंकार से रहित। अहंकार से रहित मन कुछ नहीं जाता है, जो हो रहा है उसको सही समझता है और उसको बिल्कुल ही सही समझता है, सत्य समझता है कि वो ठीक हो रहा है। एग्जैक्टली ये हुआ, ऐसे समझता है तो अहंकार नहीं। अगर हम जो हो रहा है उसमें केवल सही हो रहा है और परमात्मा से हो रहा है और ये ही सही है जान ले तो वी आर इक्वल्स। और फर्क क्या है, वहां पर जो भी हो रहा है उसमें हम लोग बोलते हैं, अभी बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, बस ये जो बोलते हैं ना बस यही हमारा आत्मा। और ये समझ लें जो हो रहा है प्रभु की आज्ञा से हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो अहंकार से सुख दुखों की प्राप्ति में सम। सुख और दुख की प्राप्ति क्या होती है, जिसको संसार सुख और दुख बोलते हैं उसकी प्राप्ति होती है। और सुख में अकॉर्डिंग टू द संसारा बड़ी कीर्ति होगी, मान मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेंगे, कोई यश मिलेगा, पैसे होएगा। और जो दुख होएगा, अपमान होएगा, कोई कुछ बोल देगा, कम ज्यादा बातें होंगी, थोड़ी निंदा शिंदा होगी, कोई कुछ ले जाएगा, कोई हानि कर देगा। दुनिया के हिसाब से सुख और दुख, और ज्ञानवान के हिसाब से क्या हो रहा है, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये सब तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी से हो रहा है, ये तेरी मर्जी है। उसको वहां पर ये लैंग्वेज नहीं है सुख और दुख, वहां पर लैंग्वेज दूसरी है। वो सम रहती है, सम रहते हैं कि ये भी राम ये भी राम, ये भी उसकी करनी, ये भी उसकी करनी, ये भी उसने किया वो भी। दे आर नॉट बॉदर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली, दे डोंट इवन वांट टू नो ये हुआ कि ये हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जानना ही नहीं चाहते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हुआ सो हुआ, मतलब परमात्मा ने किया फर्क क्या पड़ता है, जो उसने किया सो हुआ मालूम है, ठीक है सब ठीक है। इस तरह से इस संसार में आत्मा का पास और सुख और दुख नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी वहां पर समता बनी रहती है कि जो हुआ सो ही सही हुआ, कुछ नहीं जानना है कुछ नहीं पूछना है। और क्षमावान, क्षमावान मतलब मार्ग चलते चलते बहुत सारा आएगा सामने। और वास्तव में अगर संसार के लिहाज से देखें तो बहुत सारे लोग भूत प्रेत आते हैं, ये लैंग्वेज यूज की जाती है कि इस मार्ग में कोई निकलता है तो बड़े भयानक भूत प्रेत आते हैं और वो डराते हैं और मार्ग को रोकते हैं और आगे बढ़ने लगे। और संसार की दृष्टि से लोग समझो हमारे साथ बहुत सारे रॉन्ग्स कर लेते हैं, झूठ सच बोल देते हैं, नाम के ऊपर गलत अफवाहें फैला देते हैं साइड का। लेकिन जो ज्ञान का करते हैं, जो आत्माकार करते हैं, काउंटिंग नहीं करते हैं, और कोई बोला तुम्हारी निंदा के ऐसे नाम के ऊपर ये बोला, बहुत अच्छा बोला सही बोला यही रहते हैं, बुद्धि नहीं चला, सोचे भी नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला क्यों बोला क्या बोला, बहुत अच्छा बोला सही बोला अच्छा ही करा बहुत अच्छा ही करा, इतने समझते ज्ञानी दिनों ने वॉन्ट टू नो किसने बोला क्या, नाम भी नहीं पूछते किसने बोला क्या बोला, बोले ठीक बोला जो बोला सब सही बोला जो भी बोला, क्योंकि उनके अंदर एक विषय है जो हो रहा है वो सही परमात्मा से हो रहा है, उनके रूपों से हो रहा है और भी रूप से ही हो रहा है। तो दे डोंट इवन वॉन्ट टू क्वेश्चन, उनको डाउट नहीं है अंदर में कुछ रॉन्ग भी कभी हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है रॉन्ग की, क्योंकि वो रहा है केवल सुदर्शन चक्र से, सारा सुदर्शन चक्र अपना काम कर रहा है। तो कैसे बोले नहीं पूछता है किसने बोला क्या बोला और क्यों बोला या रॉन्ग है, बोलते सब तो सही बोला है। इस तरह से सम बना रहता है और क्षमा कर देता है सबको, ये किसी की गलती नहीं, कोई है ही नहीं, कोई बोए तो फिर उसकी गलती काउंट करें और फिर उसको माफ करें तो हम शेष हो गए, मैंने क्षमा कर दिया सबको तो मैं बड़ा हो गया क्षमावान। लेकिन जब तक हम सामने अभी गलती देखते हैं और मानते हैं कि इसकी भूल है, इसके टाइम पर ये किया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं बात का, और फिर भी इन्होंने ऐसे ऐसे किया, इतना अत्याचार कर दिया, तो जब तक यहाँ पर सवाल आता है यहाँ पर हम पहुंचे हैं तब तक क्षमा मांगो। जाओ सबको मन क्षमा किया, परमात्मा भी तुमको बख्श दे और तुम सुखी रहो। इतने बड़े होते हैं योगी लोग, उनके लिए ये बातें बड़ी छोटी होती हैं कि क्या है क्या है तो क्या, क्षमा कर दो जाओ सुखी रहो, तुमको कुछ नहीं होने वाला, क्षमा मत।
और ज्ञानी इसे भी ऊपर है। वो तो जानता है कि प्रभु की लीला है किसको क्षमा करो, कल कौन रहा है किसको क्षमा करो, और मैं कौन हूँ क्षमा करने वाला, जो हो रहा है प्रभु से हो रहा है, हम तो केवल नमस्कार कर पाते। इस तरह से अपराध करने वाले, अति अपराध करने वालों को भी अभय लाभ देने वाला, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी तरफ से। जो जो समझो हमसे कभी दुश्मनी करे और हमारे साथ कुर्दान चले और इस तरह से करे, रॉन्ग्स करे कुछ भी, उनको दैट ऑपोजिट पार्टी या ऑपोजिट पर्सन या हमारा कोई वैरी जो होता है, उन सबको खातरी होनी चाहिए कि इनके पास हम खुला जा सकते हैं और ये अपरिचित नहीं करेंगे, ये पूछेंगे भी नहीं और कोई सवाल जवाब भी नहीं होगा और ये उस बात में जाएंगे नहीं। हम बड़े आराम से जा सकते हैं, कोई उठान होने वाली बात नहीं है, हमारा कोई अपमान नहीं है, हमसे वहाँ पूछे भी नहीं जाएंगे। तो उनको इतना विश्वास होना चाहिए हमारे पर, क्यों वो कब आएगा अगर हमारे अंदर की वो स्थिति ऐसी होगी कौन सी कि अति अपराध जिसने किया होगा उसको भी हमने क्षमा कर दिया होगा। ये तो प्रभु की लीला है, हमको सम बनाने के लिए, निर्दोषी बनाने के लिए, दोष बनाने के लिए सारा किया हुआ है, बाकी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई वो बैठी नहीं होगी बात, रुकी नहीं होगी कि कुछ कोई रॉन्ग होता है और कोई हमारे साथ रॉन्ग किया है किसी ने, तो अगर हमारे अंदर है तो उनके अंदर भी आएगा डर कि जाएंगे तो अपमान ना हो जाए, और हमारे अंदर समझो है ही नहीं तो उनको भी निर्भयता होगी कि इनके पास जा सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलने वाले, कुछ नहीं। निर्भयता, अभय दान देना, अभय पद देना है सबको, वो कब देगा और कौन देगा, जो अंदर में प्रभु को विराजमान करके बैठा है कि प्रभु तुम्ही तो ये सब तुम्हारी लीला है, हम तुमको पहचान गए तुम्हारी कृपा से, अभी क्या बोलेंगे इसको, केवल वो अभय दान दे सकता है। लेकिन ये क्वालिटी आत्माकार में आनी ही चाहिए और अगर अभी तक नहीं है तो अडॉप्ट करें, तो अपने अंदर धारण करें, क्योंकि ये जरूरी। क्षमा दान देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, निरंतर संतुष्ट क्या माना, जमीन मिले, गद्दा मिले, चटाई मिले, पलंग बने, सोने का मिले पलंग, संतुष्ट रहता है, नींद करता है और आनंद में रहता है कि परमात्मा की ऐसी मर्जी, बड़ा पता है जमीन पर सोए बड़ा पता है, संतुष्ट। आज ये खाना बना था बड़ा मजा आया, आज इतना खाना था बड़ा मजा आया, आज केवल एक वो चीज थी बड़ा मजा आया, संतुष्ट रहे। जहां भी प्रभु ले जाए, जहां भी रखे, जो भी होए संतुष्ट रहे। वो कब होएगा, अरे पहले अडॉप्ट करना पड़ता है, पहले बैठ के अपने आप को विचार करना, समझाना, ये पढ़ाई है। हमारे अंदर ये गुण अभी नहीं है, होते हुए भी सोए हुए खुले नहीं है, अभी इनको खोल देंगे क्या बड़ी बात है, कि चलो क्या फर्क पड़ता है, चलो मस्त बन जाते हैं, आनंद संतुष्ट रहता है और मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में किए हुए होता है। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में किए रहता है कि शरीर को भी बैलेंस में रहता है, कैसे, इसकी जो जरूरत है समय पर, इसका सही सही जो भोजन है, अन्नमय कोश है ये, इसको अन्न की जरूरत होती है और सही अन्न की जरूरत होती है और सही मात्रा की जरूरत होती है, और ज्ञान मात्र समझ लेते हैं इस बात को कि चीज भी सही हो और मात्रा भी सही हो, और उसके साथ साथ अगर तो घर में एक्सरसाइज काफी है तो ठीक है, नहीं है तो पूरी एक्सरसाइज बॉडी को सवेरे में लीजिए, तो वश में आ जाता है शरीर। फिर रोज रोज रोते नहीं है, मेरे को अफारा हो रहा है, मेरे को जलन हो रही है, मेरे को सड़न हो रही है, ये अज्ञानी लोग रोते हैं, क्यों, क्योंकि खाना गलत खाते हैं, मात्रा गलत होती है और चीज भी गलत, आइटम भी गलत होता है और उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं, सारे ही गलत है। अभी बॉडी को एक्सरसाइज दी नहीं है और उसके बाद हजम कैसे होएगा, तो ये नोवा ऑफ द बॉडी भी तो जरूरी है, उतनी इनटेक होनी चाहिए जितनी आउटपुट है। समझो एक शरीर से बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा फिजिकल लेबर है, तो उसको इनटेक पैदा करनी पड़ेगी और उस टाइप का खाना उसको हजम हो जाएगा। और समझो हम लोग योगी लोग हैं, हम लोगों को इतनी है नहीं कोई इस टाइप की फिजिकल सेवा, तो हम लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैसे डाइजेशन होएगा, और समझो नहीं खाएंगे खून नहीं बनेगा, कमजोरी है। बैलेंस नो द माइंड, इंद्रियों को और शरीर को जीत लेता है, जान लेता है कि मेरे शरीर को ये भोजन चाहिए, इतना आराम चाहिए, इतनी एक्सरसाइज चाहिए, तब ये बैलेंस में चलेगा, इतना इनटेक इतना आउटपुट एक्सरसाइज के द्वारा। अब मैं समूह कुछ नहीं, एकदम बैलेंस है,
प्रिया सिनेमा के ऐसे नॉर्मल एंड सॉफ्ट और यहाँ पर एकदम स्टिलनेस है, मगज भी वैसे कूल है। अपना शरीर हाथ में होना चाहिए, इंद्रियां हाथ में होनी चाहिए कि अभी ऐसे कर लिया रिलैक्स हो गया, अभी ऐसे कर लिया रिलैक्स हो गया, आना चाहिए रिलैक्स करना। तो मन और इंद्रियों के सहित शरीर को वश में, और जिसका मन वश में है वो ही तो जानेगा कि अभी ये चीज़ की जरूरत है, दे देता हूँ शरीर को, ऐसे कर लेता हूँ, वश में होता है। क्यों? और फिर उसके बाद और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला बना कि प्रभु तू है और मेरे सिर के ऊपर तू है और मैं तेरे चरणों में हूँ और मेरा सहारा तो ये तू है और मुझे कोई डर नहीं है, तुम ही मेरे सब कुछ। इस तरह से दृढ़ निश्चय वाला पक्का, उसको डाउट ना होए कि मेरा क्या होएगा, मेरा कौन है, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं, मेरा कैसे मेरा कोई नहीं, मेरा सहारा तू ही तू, बहनों है।
साधन को करने में भी तुम असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला को कर सब कर्मों के फल का त्याग कर। जो गरीब आदमी है उनको अगर करना हमको मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पर सबसे आसान एक साधन भगवान बताएं कि संपूर्ण कर्मों के फल का केवल त्याग कर। कुछ भी हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, दोनों से जो फल करने वाला है परमात्मा की प्राप्ति तो हमने करनी है, आत्म प्राप्ति करते हैं, उसके लिए हम लोग सब लोग मिलते हैं जीवन दर्शन के लिए। और अब वो जो हमारा हर कर्म में लगा रहे हैं, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो केवल कर्म में वृद्धि हुए और कुछ भावना हुए कर्मों में, कर्म सामने आया है और हो रहा है बस, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं, विषय नहीं उसके साथ, इसके मतलब अपना मन नहीं कुछ बोल रहा है ना बुद्धि बोले, प्रकृति से सामने कर्म आ गया है और हो रहा है और हम मात्र देख रहे हैं। वहां पर योग के आश्रित होकर के तो हम युक्त युक्त हैं, क्योंकि हम कुछ बोल रहे हैं करूंगा करना है नहीं करूंगा नहीं करना है, सामने आ जाता है बना बनाया कर लीजिए। तो इस तरह से क्योंकि हम योग लगा रहे हैं प्रभु से,